कि कभी भी आपने देखा होगा कि अगर एक कोई भी वर्कर है और वो एक बड़े से पत्थर को तोड़ना चाह रहा है एक हथौड़े के साथ, तो आपको पता होगा कि अगर एक बहुत बड़ा पत्थर है अगर उसे तोड़ना है किसी हथौड़े के साथ, वो वर्कर एक बार में उस हथौड़े से उस पत्थर को नहीं तोड़ सकता। वो बार बार पत्थर से वार करता है और वार करता रहेगा। एक बार वार करेगा, वो पत्थर नहीं टूटा। उसके बाद उसने दूसरी बार वार किया, नहीं टूटा। वो कई बार उस पत्थर से वार करता है और वार करने के बाद एक ऐसा टाइम आता है कि एक लास्ट जो हथौड़ा जब वो मारेगा तो वो पत्थर जो है टूट के बिखर जाएगा। अब आपको ऐसा लगता है कि वो पत्थर जो टूटा है वो सिर्फ और सिर्फ आखिरी बार जब हथौड़ा मारा गया था तभी टूटा है, लेकिन अगर आप ऐसा उसको सही से डीपली ऑब्जर्व करोगे ना, तो उस पत्थर जो था उसे वीक होने में वो सारे जो वार हुए थे, यानी जितनी बार भी हथौड़ा मारा गया था, चाहे वो पहली बार से लेके आखिरी बार तक हो, सभी का कंट्रीब्यूशन उसमें था। अगर पहली बार से ही अगर उसे, या कहते हैं आखिरी बार से उसे टूटना होता, तो बाकी के पहली बार कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे होते, और वो नहीं कर रहे होते तो फिर वो आखिरी बार में टूटा कैसे? तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन रहा बेसिक तौर पे, वो पहले बार हथौड़ा मारने का भी कंट्रीब्यूशन था, दूसरी बार हथौड़ा मारने का भी कंट्रीब्यूशन था, और धीरे धीरे जितनी बार भी हथौड़ा मारा गया उन सभी का कंट्रीब्यूशन था कि लास्ट बार में हथौड़ा जो पत्थर था वो इतना वीक हो चुका था कि हथौड़ा मारने से टूट गया। तो हमारा जो हर एक छोटा कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो एक रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए कि अगर डेली आपको किसी जगह पे जाना हो और अगर आप सीढ़ी पे भी चढ़ रहे हो, आप डेली एक स्टेप सीढ़ी पे चढ़ो, आप सिर्फ एक स्टेप चढ़ो, लेकिन अगर आप 10 दिन बाद देखोगे तो आप 10 स्टेप आगे चढ़ चुके होंगे। तो आपका क्या कहोगे कि आखिरी दिन ही आपने 10 स्टेप चढ़ लिया? तो शायद ऐसा नहीं है, आप डेली एक स्टेप ही चढ़ रहे हो, लेकिन वो स्टेप धीरे धीरे जो है वो एक्यूमुलेट होके एक चेंजेस लेके आ रहा है। तो लाइफ में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हताश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप किसी वजह से एग्जाम में 1-2% या 3% अगर कम भी आ गया तो उसके लिए जो है वो कंट्रीब्यूशन आपका एकदम बेकार हो गया, वेस्ट हो गया, अब आपको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जितना सक्सेस होने से नहीं सीखते उतना हम फेल होने से सीखते हैं। आपने जो स्टडी करी है, आपने जो कंट्रीब्यूट किया है, वो कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं अगले एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि वो एक्यूमुलेटिव इफेक्ट शो करेगा। वो एक्यूमुलेटिव इफेक्ट जब आप अगले एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें वो कंट्रीब्यूट करेगा, और शायद जो है वो कंट्रीब्यूशन आपको एक बेहतर और बेहतर जो है सक्सेस को ले आ पाएगा। तो इसलिए मैं आपको हमेशा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइफ में अगर कभी कभी हम फेल होते हैं तो हम किसी और एक अच्छे चीज़ के लिए बने होते हैं। जाकिर खान ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर आपको किसी दिन सूट चाहिए ना, तो जिंदगी इतनी खतरनाक है कि आपको उस दिन सूट मिलेगा ही नहीं, ठीक है? और आप अगले दिन जब जाओगे तो आपको लगेगा कि ये सूट इतना ज्यादा जरूरी था भी नहीं। तो ये बात यही होता है कि कभी कभी हमें अभी जो बहुत ज्यादा जरूरी लग रहा होता है, या हमें बहुत ज्यादा जो बेकार या कोई चीज डिस्टर्ब कर रही होती, हम जिस चीज को लेकर इतना परेशान होते हैं, किसी भी थॉट को लेकर, किसी भी इंसिडेंट को लेके, किसी भी इवेंट को लेके, किसी भी पर्सन को लेके, कि ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये चीज इतने ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं हम, आगे जाके हो सकता है कि 2-4 दिन या 2-4 महीने बाद या 6 महीने साल भर बाद आपको लगेगा कि यार वो बात इतनी परेशान करने वाली थी भी नहीं। और अगर ऐसा नहीं भी लगता तो आप अपने पास्ट की चीजों को उठा के देख लीजिए। आप पास्ट में जितनी भी चीजें हुई हैं अगर आप उनको उठा के देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पास्ट में जितनी भी चीजें हुई, पहले आप उस चीज को लेके बहुत परेशान थे जब वो प्रेजेंट में थी, लेकिन आज जब उन पास्ट वाले चीजों को आप रिकॉल करके देखोगे तो आपको लगेगा यार वो चीजें इतनी भी परेशान होने वाली थी नहीं जितना हम उसको लेके परेशान हो गए। तो लाइफ ऐसे ही है, चलती रहेगी। द लाइफ कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। तो चलाते रहिए, एंड ध्यान रखे कि इंसान जो है अगर ठान ले तो जीते, और अगर मान ले तो हारे। तो आप ठान लीजिए मन से और फिर लगे रहिए, डेफिनेटली आप अगले बार क्वालिफाई जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।